मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते रहे और कारवा बढ़ता गया। क्योंकि आप लोग ही मैंने भरोसा दे रहे हो कि आप हिम्मत मत मारो और सुना मैं खुद लड़ो। तारीख थी 3 अप्रैल 2024, जगह थी बाड़मेर का आदर्श स्टेडियम, मौका था कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल की नामांकन महारैली का। इस नामांकन रैली को मजबूती और उम्मीदवार राम बेनीवाल को समर्थन देकर बाड़मेर, जैसलमेर, बलूतरा लोकसभा क्षेत्र के 1 लाख से भी अधिक लोगों ने 3 अप्रैल 2024 को ऐतिहासिक बनाया। सुबह की शुरुआत में जब उम्मीदवार राम बेनीवाल ने नामांकन दाखिल किया, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट सहित कई बड़े नेता उपस्थित रहे। वहीं जिस जगह ये नामांकन जनसभा थी, वहां बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के मुखिया श्री गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री हेमाराम चौधरी, श्री हरीश चौधरी, कर्नल सोनाराम, श्री शाले मोहम्मद, श्री फतेह खान, श्री रूपाराम धनदेव, श्री मदन प्रजापत, श्री पद्माराम मेघवाल, श्री महेंद्र चौधरी, श्री गफूर अहमद, श्री गोपाराम मेघवाल, श्री सुनील परिहार, श्री बालाराम पटेल, श्रीमती प्रियंका मेघवाल, श्री दीपक माली, श्री महबूब सिंधी, श्री शेर मोहम्मद, श्री थान सिंह डोली, आरएलपी नेता श्री गजेंद्र चौधरी सहित अपार जनमानस ने भरपूर प्यार और समर्थन दिया। उम्मीदवार राम बेनीवाल ने अपने शिक्षा के संकल्प के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था सहित समस्त मुद्दों पर अपनी बात रखी और विश्वास दिलाया कि जब मैं सांसद बनकर दिल्ली जाऊंगा तो यहाँ की जनता की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। ये चुनाव बाड़मेर के विकास का चुनाव है, ये चुनाव बाड़मेर को नई दिशा और दिशा देने वाला चुनाव है, ये आपके बुजुर्गों के और सपनों का चुनाव है।